संविधान का गर्व और गौरव किया जाना चाहिए, मगर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि संविधान की लिखी हुई सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, तो हमें ढूंढना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जिसका बाबा साहब अम्बेडकर सहमत नहीं थे। सेपरेट लोकटेड की वजह से मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हुई, वो सेपरेट लोकटेड हमारे लोगों पर लागू नहीं होने दिया। और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सेपरेट लोकटेड से चुनकर जाने वाले लोगों को गांधी जी गुंडे कहते थे। ये तीन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इन लोगों को ज्वाइंट लोकटेड में चुनकर जाने वाले लोगों को दलाल और भड़ुआ कहा। ए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये ज्वाइंट लोकटेड से चुनकर जाने वाले लोग दलाल और भड़ुए हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर उनको दलाल और भड़ुआ मानते हैं और हम पढ़े लिखे लोग उनको प्रतिनिधि मानते हैं, तो फिर तो हमारा सत्यानाश होना तय। दो तीन महत्वपूर्ण बातें ही आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है जिन समस्याओं के बारे में चिंतित है, जिन समस्याओं के बारे में सारे देश भर में चर्चा करते हैं और उन समस्याओं का वो लोग समाधान नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम अपना दुख व्यक्त करते हैं कि जो लोग आरक्षण के विरोधी है वो आरक्षण पर अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग सारे देश भर में चिंता व्यक्त करते रहते हैं और उन लोगों से उम्मीद करते हैं जो आरक्षण के विरोधी है कि वो इस पर अमल करें। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि ये जो सोचने का हमारा तरीका है, ये सोचने का तरीका सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं माना जा सकता। इसे बहुत सारे लोग सही मानते हैं मगर मैं इसको सही नहीं मानता, ये विचार सही नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हम लोगों को जो करना चाहिए वो नहीं कर सकते। वो इसलिए साथियों, पहली बात तो ये है कि हम लोगों को जो आरक्षण के विरोधी है या संविधान के विरोधी है या संविधान की जो मौलिक बातें हैं उन पर अमल करने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल उनका विरोध करने से या उनकी चर्चा करने मात्र से इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं, क्योंकि हम चर्चा करते हैं कि जो संविधान के विरोधी है, जो आरक्षण के विरोधी है वो संविधान पर अमल करे तो हम खुश हो जाएंगे, वो आरक्षण पर अमल करे तो हम खुश हो जाएंगे, ये होने वाला नहीं है, वो ऐसा करने वाले नहीं है, क्योंकि मूर्ख के हाथों में भी अगर कुल्हाड़ी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर इस कुल्हाड़ी को चलाकर काट दो तो मूर्ख भी अपने हाथ पर कुलाड़ी लेकर अपना पैर काटने के लिए राजी नहीं होता। जो भारत का शासक वर्ग है वो हम लोगों के हक और अधिकार पर अमल करके आपको अधिकार संपन्न बनाकर अपने पैरों पर कुलाड़ी मारने का काम क्यों करेगा? इतना गधा और इतना नलायक तो वो है नहीं, इतना ना समझदार तो वो है ही नहीं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन लोगों से उम्मीद करना जो हजारों सालों से हमारे विरोधी हैं, जिन लोगों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया, जिन लोगों ने इस देश में जाति व्यवस्था का निर्माण करके
6,247 जाति के टुकड़ों में हमें बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान दो ही टुकड़ों में बांटा था, मगर ब्राह्मणों ने 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा। 1703 छिड़ुनकास की जातियां है, 801 आदिवासियों के टुकड़े हैं, 3,743 ओबीसी के टुकड़े हैं, तीनों को मिलाकर 6,247 टुकड़े हैं। इतने टुकड़े उन लोगों ने किए और उन्होंने ही हमें कहा कि अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस सिद्धांत पर काम किया। बात सही है, अंग्रेजों ने बांटो और राज करो के सिद्धांत पर काम किया, मगर अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान दो टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6,247 जाति के टुकड़ों में बांटा, और ये हजारों सालों से बांटा। सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने ईसा पूर्व 185 को करने के बाद से लेकर अब तक, तब से चल रहा है मामला, आज से नहीं, 2,500 साल से चल रहा है। और 2,500 साल से चलने के बाद उन लोगों ने हम लोगों को 6,247 जातियों के टुकड़ों में बांटा, जिन्होंने 6,047 जाति के टुकड़ों में बांटा, उन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों के लिए मान सम्मान समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज बनाकर दे दे, हम उनसे उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है ये सोचने का एक तरीका है, सोच ही लोगों को जगाती है, सोच ही लोगों को जोड़ती है, सोच ही लोगों को शक्ति में रूपांतरित करती है, मगर जो सोच हम व्यक्त कर रहे हैं उससे शक्ति का निर्माण होने वाला नहीं। मैं ऐसा मानता हूं, आप लोगों को गलत लगता होगा, आप लोगों को विचार करने की आजादी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को अपने विचार करने की आजादी नहीं है, मगर मुझे भी उसी तरह से अपना विचार व्यक्त करने की आजादी है, इसीलिए कह रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि इससे आप लोगों का स्वाभिमानी स्वावलंबी आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है। जिस तरह से आप विचार व्यक्त करते हैं उस तरीके से आप लोगों का स्वाभिमानी स्वावलंबी आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है। अगर आप लोगों का स्वाभिमानी स्वावलंबी आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण होने वाला नहीं है तो फिर आप लोगों को मांगते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं। आप लोगों को निरंतर मांगते रहने का काम करते रहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि काशीराम जी ने उस विचार का संगठित रूप से त्याग किया। किस विचार का संगठित रूप से त्याग किया? कि दूसरे लोग हमारा भला करने का काम करें, दूसरे लोग हमारा कल्याण करने का काम करें, दूसरे लोग हमारा उद्धार करने का काम करें। मुझे लगता है ये विचार हम लोगों का उद्धार करने का सही वास्तविक रास्ता नहीं। इससे निश्चित रूप से हम लोगों का रास्ता सही नहीं हो सकता। हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें पिछलग्गू बनने से भी हमारा उद्धार हो सकता है, ऐसा भी हमारे लोगों का सोच है कि हम जब पिछलग्गू बने रहेंगे, दूसरों के पीछे पीछे चलते रहेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा और वो लोग हमारा उद्धार कर लेंगे। अने समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी, समस्याएं हमारी और समाधान अटल बिहारी कर लेगा, वो ये होने वाला नहीं है। और इस तरह की विचारधारा मुझे ऐसा लगता है
सही नहीं है, इसलिए आपको अपना स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर आंदोलन निर्माण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ये निर्माण करना होगा, ये आपका रास्ता भविष्य में हो सकता है, इस रास्ते पर आप लोगों को अमल करना होगा। आप लोगों को उचित लगे तो इस पर अमल करना है, आप लोगों को उचित ना लगे तो इस पर अमल नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। दूसरी एक बात, दो बातें कहकर अभी समाप्त कर देता हूं। एक बात, मैं तमाम मुस्लिम लोगों के बीच में जाकर भी काम करता हूं, तो मुसलमानों को ये एक बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बीजेपी के लोगों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। यहां भी बहुत सारे लोगों को मैंने सुना, इधर मैं अगर उनको सवाल पूछूं कि आपके पास कोई तथ्यगत आंकड़े हैं, आपके पास बीजेपी को हमारे लोगों ने वोट देकर चुनाव जीत कर लाया, कोई है फैक्ट है, कोई आंकड़े हैं? मैं आपको बताता हूं, मेरे पास है, मैं आपको बताता हूं। 303 सीटें लोकसभा में बीजेपी की चुनकर आई और उस 303 में 76 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीटें चुनकर आई। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था, उसके बाद कांग्रेस के भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सीटें चुनकर आती थी। मैं आपको हिस्टोरिकल फैक्ट के आधार पर बता रहा हूं। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय भी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस की शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की चुनकर आई। गांधी जी की वजह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लोगों को ज्वाइंट इलेक्टेड थोपा गया और इस ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से शेड्यूल कास्ट की संख्या 15% और 7.5% आदिवासियों की संख्या। मान लो कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है, वो 100% 15% वोट अगर किसी सीट को दे देते हैं तो भी वो रिजर्व सीट वाला आदमी चुनकर नहीं आ सकता। कितने लोगों को ये पता है? ये जो जॉइंट इलेक्टोरेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, ये आर्टिकल 332, ये आर्टिकल 330, ये जो विधानसभा और लोकसभा के लिए जॉइंट इलेक्टोरेट है, इस जॉइंट इलेक्टोरेट ने कांग्रेस की ज्यादा सीटें चुनवा कर लाई, बाबा साहब अंबेडकर के जीवित होते हुए चुनवा कर लाई, बाबा साहब अंबेडकर के हयात होते हुए जीतवा कर लाई। मैं एग्जाम्पल देकर आपको बता रहा हूं सबूतों के साथ कि अगर शेड्यूल कास्ट का 15% आदमी 100% किसी सीट पर वोट डाल दे तो क्या 15% वोटों से कोई शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है? नहीं जीत सकता। इसका मतलब है ज्वाइंट इलेक्टेड में नॉन शेड्यूल कास्ट के वोटर ज्वाइंट इलेक्टेड होने की वजह से उसको चुनाव जीतवाते हैं। अगर बीजेपी के 303 सीटों में से 76 सीटें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की चुनकर आई है तो मुसलमान ऐसा मानते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। गलत बात है, झूठ बात है, मैं नहीं मानता इस बात को। और मेरा जो तथ्य, मेरा जो कहना है, यही बात थी बाबा साहब अंबेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट देने की मांग की थी, वो अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया था। गांधी जी ने जबरदस्ती करके, उपवास करके हमारे लोगों पर, बाबा साहब अंबेडकर पर, हमारे लोगों पर ज्वाइंट इलेक्टोरेट थोपा। ये थोपने की वजह से कांग्रेस की ज्यादा सीटें एससी एसटी की चुनकर आती है और एससी एसटी के साथ साथ
जब बीजेपी सरकार में आती है तो बीजेपी की भी आती है। क्या ये कहा जाए कि कुछ साल तक गांधी जी ने कांग्रेस की मदद की और अभी गांधी जी ज्वाइंट इलेक्टेड उनका था तो वो ज्वाइंट इलेक्टेड के तहत आज गांधी जी की वजह से बीजेपी की सीटें ज्यादा चुनकर आ रही है, क्योंकि सिस्टम है 330 और 332, पढ़ लेना आर्टिकल संविधान का। बाबा साहब अंबेडकर ने ही संविधान लिखा है, बाबा साहब अंबेडकर ने ही संविधान लिखा, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सुपुर्द किया संविधान सभा को और कहा कि सारी बातों से संविधान के मैं सहमत नहीं हूं। कितने लोगों पता है, मालूम होना चाहिए नहीं है? संविधान का गर्व और गौरव किया जाना चाहिए, मगर बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि संविधान की लिखी हुई सारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। इसका क्या करे, क्या करे इसका? तो हमें ढूंढना चाहिए कि वो कौन सी बातें हैं जिसका बाबा साहब अंबेडकर सहमत नहीं थे, ढूंढना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है ना। सबसे अहम बात ये ज्वाइंट इलेक्टेड से बाबा साहब अंबेडकर सहमत नहीं थे। 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के। मैं आपको स्टैंप पेपर पर लिखवाता हूं, आजाद भारत में सेंट्रल की कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, कोई भी सरकार आज तक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में नहीं बनी। लिखवा लेना और जांच कर लेना जो कह रहा हूं। कोई भी सरकार कांग्रेस की हो बीजेपी की हो, 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के ज्वाइंट इलेक्टेड में चुनकर जाते हैं और इनके सपोर्ट के बगैर दिल्ली में कोई भी सरकार सेंटर की नहीं बनती है। इवन बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की कल की 2014 की सरकार, 2019 की सरकार, 2019 की सरकार में 303 सीटों में 76 सीटें एससी और एसटी की बीजेपी की चुनकर गई है। एससी और एसटी के लोगों ने वोट दिया इस वजह से वो चुनकर गए हैं, ऐसा मुसलमान मानते हैं। गलत बात है, उनको समझ नहीं है मुसलमानों को ये बात की। मुझे तो बहुत सारे मुसलमानों को ज्वाइंट इलेक्टेड क्या मामला है यही पता नहीं है, वो संविधान में आज भी लागू है ये पता नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों को पता नहीं है, बहुत सारे अभी हमारे सांसद जी हमारे मित्र जो है वो भी ऐसे कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इसलिए खुश होकर बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए। तो उनका मैं कहना है कि देते हमारे लोग दे रहे, ऐसा उनका लॉजिक है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि ज्वाइंट इलेक्टेड में ज्वाइंट इलेक्टेड की वजह से बीजेपी के लोग चुनकर जा रहे हैं, वो शेड्यूल कास्ट के 15% से नहीं जा रहे हैं, 7.5 आदिवासी के परसेंटेज से नहीं जा रहे हैं, वो 52% ओबीसी के लोग जो ना गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू है। ये पागलपन किसके अंदर है आप लोगों को तो पता है ना, ये ज्यादा पागलपन कहां पर है? इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर रहेगा, मान लो मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा मुसलमानों में, तो फिर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास और मुसलमानों का एकता और गठबंधन कैसे होगा अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा? तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहने से इत्तेहाद कायम नहीं हो सकता, एकता कायम नहीं हो सकती और इससे हमारा तमाम मजलूमों का नुकसान होता है, इस तरह की धारणाओं की वजह से, इस तरह के विचार की वजह से। मैं मुसलमानों को यह अनुरोध करता हूं कि वो सेपरेट इलेक्टेड का अध्ययन करे, वो ज्वाइंट इलेक्टेड का अध्ययन करे। 1907 में लखनऊ पैक्ट में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड मांगा गया और मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टेड दिया गया। सेपरेट इलेक्टेड की वजह से मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हुई
वो सेपरेट लोकटेड हमारे लोगों पर लागू नहीं होने दिया गया गांधी जी के द्वारा। और मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि सेपरेट लोकटेड से चुनकर जाने वाले लोगों को गांधी जी गुंडे कहते थे, सेपरेट लोकटेड से चुनकर जाने वाले लोगों को गांधी जी गुंडे कहते थे, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को गांधी जी गुंडे कहते थे, हमारे एमपी को गुंडे कहते थे। ये उनका सीक्रेट डायलॉग सरदार पटेल और गांधी जी के बीच में जो सीक्रेट डायलॉग एरोड़ा जेल में हुआ वो डायरी मेरे पास है, जो महादेव भाई देसाई ने लिखी, जो सीक्रेट डायलॉग गांधी जी और सरदार पटेल के बीच में हुआ वो सीक्रेट डायलॉग जिस डायरी में लिखा हुआ है वो डायरी मेरे पास में है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि गांधी जी शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो सेपरेट लोकेटेड पर चुनकर जाने वाले लोग जो है, अगर ये जाएंगे तो मुसलमान गुंडे और शेड्यूल कास्ट के गुंडे और शेड्यूल ट्राइब के गुंडे ये संविधान ये पार्लियामेंट में इकट्ठा हो जाएंगे और सरदार तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे, ये सीक्रेट डायलॉग गांधी जी और सरदार पटेल के बीच में हुआ और महादेव भाई देसाई ने ये डायरी में लिख कर रखा, वो डायरी मेरे पास है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हमारे जो लोग हैं, एक समस्या हमारी है, नेशनल लेवल की समस्या है कि हम लोग इकट्ठा नहीं आते हैं, मगर जॉइंट लोकटेड हमें इकट्ठा आने देता है। जॉइंट लोकटेड से जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस ऑफ अनटचेबल, गांधी एंड इमेजिनेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये तीन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इन लोगों को जॉइंट लोकटेड में चुनकर जाने वाले लोगों को दलाल और भड़ुआ कहा। मैंने नहीं कहा, किसने कहा? ए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि ये जॉइंट लोकटेड से चुनकर जाने वाले लोग दलाल और भड़ुए हैं। क्या हमारे पढ़े लिखे लोग इनको दलाल और भड़ुआ मानते हैं जो बाबा साहब मानते हैं? अगर बाबा साहब अंबेडकर उनको दलाल और भड़ुआ मानते हैं और हम पढ़े लिखे लोग उनको प्रतिनिधि मानते हैं तो फिर तो हमारा सत्यानाश होना तय, क्योंकि हम अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनकर लाने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। हम दलालों को ही अपना नेता मानेंगे, हम दलालों को ही अपना प्रतिनिधि मानेंगे तो फिर हमारा आंदोलन कैसे खड़ा होगा? हमारा स्वाभिमानी स्वावलंबी आत्मनिर्भर आंदोलन कैसे खड़ा होगा? नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए साथियों, ये जॉइंट लोकटेड के बारे में तमाम सारे देश भर में हम लोगों को सोचना चाहिए। कांग्रेस के लोग जॉइंट लोकटेड का समर्थन करते हैं, बीजेपी ने 2021 के जनवरी में जॉइंट लोकटेड का बिल पास कर दिया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है उस रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम को सुधारे बगैर हम लोगों को हमारा आने वाला कल सुधरने वाला नहीं है। संविधान लागू होने के बाद भी बाबा साहब अंबेडकर इसके बारे में आग्रही थे। अब मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं साथियों, आजकल हिंदू की बात बहुत होती है, हिंदू की बात बहुत होती है, तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लास के लोगों को हिंदू कहते हैं। मैं चुनौती देकर ब्राह्मणों को कहता हूं कि आपके कौन से धर्म ग्रंथ में हमें हिंदू लिखा हुआ है, एक बार पढ़कर दिखाओ। चलो मैं चुनौती देता हूं तमाम ब्राह्मणों को, सारे देश के ब्राह्मणों, कौन से धर्म ग्रंथ में आप लोगों ने लिखा हुआ, कौन से धर्म ग्रंथ में एससी एसटी ओबीसी को हिंदू लिखा हुआ है? चलो बताओ, चुनौती देता हूं मैं लोगों को, दिखाओ कहां हिंदू लिखा हुआ है। आप लोगों की व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में हम हिंदू नहीं है,
जाति व्यवस्था में हम हिंदू नहीं है, अस्पृश्यता में हम हिंदू नहीं है, शूद्रत्व जो पिछड़े वर्ग पर थोपा गया है वहां हिंदू नहीं है, महिलाओं को दास बनाया गया चाहे ब्राह्मणों की मां हो उसको भी जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है, अरे हमारे SC ST OBC को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं है, ठीक है तुम्हारी माँ को भी नहीं है, तुम्हारी बहन बेटी को भी नहीं है, तुम्हारे बहू को भी नहीं है, तो तुम्हारी व्यवस्था में जो महिलाएं हैं वो भी दास है। ये जो नॉमिडिक ट्राइब के लोग हैं उनको आप लोगों ने बहिष्कृत किया हुआ है, जंगलों में रहने के लिए बहिष्कृत किया हुआ है, और जो आदिवासी है उन लोगों को आपने इस व्यवस्था में सेग्रीगेट किया हुआ है। ये सारी बातें तुम्हारी व्यवस्था में है, वहां कहीं पर भी हिंदू नहीं है, कहीं पर भी आपके द्वारा लिखा गया कहीं पर भी हिंदू नहीं है। और जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC का आदमी जब अपने को हिंदू कहता है तो आरक्षण कैसे मिलेगा? आरपी सिंह जी बताओ, क्योंकि ये आरक्षण बचाव का मामला है, इसलिए ये आखिरी मुद्दा आपको बता रहा। जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC का आदमी अपने को हिंदू कहेगा वो आरक्षण मांगने का अधिकारी कैसे है? किस आधार पर आरक्षण मांगेगा वो? शेड्यूल कास्ट के नाम पर आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर आरक्षण है, OBC के नाम पर आरक्षण है, संविधान में SC ST OBC के नाम पर आरक्षण है, हिंदू के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है। हिंदू के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है, इसलिए जो हिंदू के नाम पर सरकार बनाकर चला रहे हैं उनकी सरकार में आरक्षण के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होती। आरक्षण के मुद्दे पर BJP की सरकार में चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि एक साथ दो बातों की चर्चा नहीं हो सकती, या तो हिंदू की चर्चा होगी या तो आरक्षण की चर्चा होगी। जहां हिंदू की चर्चा होगी वहां आरक्षण की नहीं हो सकती, जहां आरक्षण की होगी वहां हिंदू की चर्चा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों का, उसके अनुसार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लासेस के लोग किसी मापदंड में हिंदू नहीं, और ये बात लोगों के अंदर प्रचार करना जरूरी है, और अब देश में जो हालात है उसी हालात में प्रचार करना जरूरी है, ये किया जाना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो जो भी SC ST OBC का आदमी हिंदू कहेगा वो आपके आंदोलन में शामिल होने के लिए नहीं आएगा, वो आपके आंदोलन में शिरकत नहीं करेगा, वो आपका सपोर्ट करने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूं कि ये जो हिंदू नाम की थ्योरी है ये मूलतः ब्राह्मण धर्म SC ST OBC पर थोपने का षड्यंत्र है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। मैंने रेल में एक ब्राह्मण को पूछा, पंडित जी हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताओ। उसने कहा वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता। मैंने कहा क्या है समझ करना है कर देना थोड़ा सा टाइम चलो ठीक मैं अभी करने के लिए बोलता तो अभी कर बीच में ही कर देता, मुझे कोई इतराज नहीं है। मेरे पास खुद ही अपना मर्जी जो है, मैं अपना कार्यक्रम कैंसिल करके आया हूँ, आपको मालूम है मैं अपना कार्यक्रम कैंसिल करके आया हूँ, मेरे पास अपना ही देशव्यापी मंच है, आप लोगों को मालूम है मैं अपना कार्यक्रम साउथ इंडिया में कैंसिल करके आया हूँ RP सिंह के कहने पर, इसलिए कह रहा हूँ मेरा पास ही अपना मंच है, आप लोगों के इनविटेशन के आधार पर आया हूं, इसलिए मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों को यह बात ठीक नहीं लग रही होगी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात स्वीकार कर लो, मान लो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन Article 19 बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ है, और इसके तहत मैं उस अधिकार का उपयोग कर रहा हूं, और इसके तहत कह रहा हूं। मैंने पंडित जी को कहा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बताओ,
उसने कहा वेद श्रुति स्मृति पुराण रामायण महाभारत गीता, मैंने कहा ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको हिंदू धर्म के पूछा। पंडित जी मैंने आपको हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा, आप ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ बता रहे हो। तो पंडित जी ने जवाब दिया ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। पंडित जी ने जवाब दिया ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। कितने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पता है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? कितने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पता है कि ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है? पंडित कह रहा है एक ही है। और जिस दिन हमारे लोगों को मालूम हो जाएगा ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है, तो हमें इसका प्रभाव हिंदू धर्म के नाम पर नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों को करने दिया जाए हिंदू धर्म के नाम पर, मगर हमें इसे ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार में लाया जाना चाहिए। अगर हम इसका प्रचार ब्राह्मण धर्म के नाम पर करते हैं तो ब्राह्मण नंगे हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे और हमारे लोग उनके झांसे में फंसने वाले नहीं है। भाई इतना करिए।